अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं चिकन का वाइट पुलाव। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन ली, वॉश करके रख दी हूँ, 3 बड़ी साइज़ के प्याज, 3 मीडियम टमाटर और 1 टीस्पून हरी मिर्ची का पेस्ट, और इसी से स्पून के हिसाब से 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर और धनिया पाउडर 2 टीस्पून। तेज़पत्ता ली हूँ, थोड़ा सी ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची, दालचीनी, 10 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से 3 चम्मच ली हूँ, 3 स्पून। गैस मैंने स्टार्ट कर दी और हम इसमें ऑयल डालेंगे। ढाई टी स्पून के हिसाब से मैंने ऑयल डाल दी। हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे। चिकन के पुलाव कई किस्म के बनते हैं, थोड़ा हट के सादा पुलाव, इसमें मसाला भी बस अदरक लहसुन ज़्यादा प्याज डाल देंगे। प्याज को ब्राउन होने देंगे। प्याज हमारी अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है, अब हम इसमें चिकन डालेंगे। मसाला डालने पहले ऑयल में चिकन थोड़ा फ्राई करो तो उसकी जो महक जो अच्छी नहीं लगती, वो नहीं आती, टेस्ट भी अच्छा हो जाता, अलग हो जाता है। अभी से ही देखो खुशबू आने लगी, वाह। अभी तो मैंने मसाला भी डाला, प्याज और ऑयल की चिकन की, अब हम इसमें ये तीनों पेस्ट डाल देंगे। टमाटर और नमक भी डाल देंगे।
गैस की फ्लेम को आंच रख के इसको 2 मिनट ऐसे भूनेंगे। मैंने बस आधा गिलास से भी कम पानी लिया है इसमें डाल के, अब इसको 10 से 12 मिनट के लिए ढक के फास्ट फ्लेम पे रख देंगे। देखते चिकन का क्या हाल है और क्या खुशबू है। मसाला भी भून गया है, चिकन भी हाफ से भी ज़्यादा मतलब अच्छा सा पक गया, गल गया। और इसमें गरम मसाला धनिया पाउडर डाल दिया। इसमें मैं चावल डाल दूंगी। चावल मैंने डाल दियो। मैंने 6 से 6 आलू ली थी, उसके मैंने पीस बना, 6 से 7 आलू के पीस बना के उसको मिक्स कर। मैंने 1 किलो चिकन में 1 किलो चावल ली और 1.25 किलो आलू, 1 से थोड़ा कम ही होगा आलू, 1.25 से ज़्यादा। मैं कुकर में बना रही हूँ पुलाव, कुकर में बहुत अच्छा बनता है। और चावल भी पानी मतलब चावल के हिसाब से पानी डालें। मैंने बासमती टुकड़ा चावल ली हूँ, इसमें मैं 3 से 3.5 गिलास 3 गिलास पानी डालूँगी। कोलम चावल में पानी ज़्यादा लगता है। कुकर में पानी कम लगता है तो इस हिसाब से मैंने 3 गिलास डाली हूँ। अगर पतीली में बनाते हैं तो 1 गिलास तक पानी ज़्यादा लग रहा है। चावल के हिसाब चावल पे भी पानी का डिपेंड होता है। इसको कुकर का तीन सीटी पर रखेंगे, 3 सीटी में हमारा पुलाव तैयार हो जाएगा। पुलाव देखते हैं क्या क्या खुशबू है। पुलाव हमारा रेडी हो गया है। पूरी डिश आउट कर ली, अब प्लेट आउट भी कर ली। आप लोग आ जाओ खाने, देखते हैं कैसा बना है। कैसा लगा उन्हें खाना? माशाल्लाह नानी अम्मी आपने बहुत अच्छा बनायो। और हमेशा तो परफेक्ट आता अच्छा है। तो एक्चुअली गाइस, सो गाइस एक्चुअली आज संडे है, तो जब जब संडे आता है तो हम लोग नानी अम्मी के वही टाइम स्पेंड करते हैं उनके साथ, उनके साथ पूरा डे स्पेंड करते हैं हम लोग। और आपने देखा मेरी नानी अम्मी की रेसिपी कितनी अच्छी है ना, और पुलाव तो हमेशा की तरह यम्मी है। मतलब मेरी नानी अम्मी हर चीज़ अच्छी बनाते, मुझे हर चीज़ अच्छी लगती नानी अम्मी की। अगर आपको भी अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और कमेंट में भी बताना कि आपको और कौन कौन सी रेसिपी चाहिए और आपको ये कैसा लगा, प्लीज़ कॉमेंट कीजिए, क्योंकि हम मुझे अच्छा लगता है कॉमेंट्स पढ़ने, इसके लिए आप कॉमेंट किया करें। कैसा लगा नादिया खाना? वेरी नाइस माशाल्लाह। मेरे गुड़िया को तो सब पसंद ही आता है। चलो हम लोग भी खाना खाते हैं, आप लोग भी आ जाओ खाने, स्टार्ट करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना जरूर जरूर।
गाइस, तो प्लीज क्लिक द बेल आइकन और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए नानी अम्मी, अल्लाह हाफिज, गुड बाय.